हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजी क्लास में। मेरा नाम है जीशान। दोस्तों, पंचायती राज विभाग की तरफ से दोस्तों मैं वीडियो बना के ला रहा हूँ आप लोगों के लिए कि दोस्तों जो लोगों ने फॉर्म भरा है इसमें और जिसका भी नाम आपका ड्यूली रजिस्टर्ड में है दोस्तों, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। क्योंकि दोस्तों बहुत लोग बिहार में तो हैं ही, लेकिन बहुत लोग बिहार से बाहर हैं, जो कि बम्बे में हैं, आपको बहुत लोग दिल्ली में हैं, बहुत लोग इंडिया के दूसरे राज्य में हैं और मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर मुझे जल्दी से बताइए कि काउंसलिंग का डेट क्या है, क्योंकि हम लोगों को फिर वहाँ काउंसलिंग के लिए आना है। दोस्तों मैं बता दूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग खुश हो जाइए, तैयार रहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ अपने स्क्रीन पर कि यहाँ पर जैसे बता रहा है कि देखिए मेरा माउस देख रहे हैं आप, दुर्गा पूजा के बाद जेलों को भेज दी जाएगी अभ्यर्थियों की सूची। यहाँ दोस्तों दुर्गा पूजा जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि खत्म हो चुका है, कल 10वीं का रावण जल चुका है। और दोस्तों आप लोग खुश हो जाइए क्योंकि आज से ऑफिस लगभग सब खुल चुका है और दोस्तों ये काम बहुत ही तेजी के साथ चल रहा है, क्योंकि उसको नवंबर में ज्वाइनिंग करवाना है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था इसी के अंदर में कि वो आपको नवंबर तक ज्वाइनिंग पूरी कर ली जाएगी। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं नवंबर में ज्वाइनिंग पूरा कर लिया जाएगा, इसीलिए दुर्गा पूजा खत्म हो चुका है और आपका आज से ऑफिस भी खुल चुका है और ये काम आज या सोमवार तक में पूरा करके सभी जिलों में सूची भेज दी जाएगी। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इसी सप्ताह में आपको जो आने वाला सप्ताह है सोमवार से शनिवार के बीच में ये डेट आ जाएगा काउंसलिंग का। आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए या दोस्तों, और आप लोग अपना तैयारी पूरी रखिए। और दोस्तों ये जो आपको जो लिस्ट है वो कैसे बनेगा दिखा रहे हैं यहाँ पर, मैं वीडियो में पिछले से बताना भूल गया था। यहाँ देख रहे हैं कि दोस्तों यहाँ जो अभ्यर्थियों के चयन की जिम्मेदारी जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित की जाएगी, नहीं जो जिले के जो जिलाधिकारी हैं, जो उसकी अध्यक्षता है, जो उसकी समिति है, वही आपका चयन करेगी। और जो समिति जो है अभ्यर्थियों की मेगा सूची बनाएगी, यानी समिति भी ही जो है आपका मेगा सूची जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो जिला वाइज बनेगा। और जिले में जो जितना भी पद है पद से 50% अधिक अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। यह दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने एक पेज खोल कर रखा है आपका, ये मान लीजिए ये आपका लेखापाल सहायक असिस्टेंट के लिए है और ये जिला वाइज पोस्ट मैंने यहाँ पर रखा है आपको समझाने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये पटना है, ठीक है, पटना में जैसे कि यहाँ पर 80 सीट यहाँ पर है, तो इसका जितना सीट 80+50% का मेरिट लिस्ट बनेगा। कैसे बनेगा, यानी 80+ इसका 50% 40, यानी 80 और 40 120, यानी 120 का चयन होगा पटना के लिए। सेम इसी तरह से यहाँ पर देख रहे हैं आप, आपको यहाँ पर देखा नालंदा, मैं आपको एग्जाम्पल से दिखा रहा हूँ, नालंदा यानी 62+ इसका 50% 31 सीट, यानी 62 और 31 ये हो गया आपका 60 और 30, 90 और 3 93, यानी 93 सीट पर इसका चयन होगा। इसी तरह से इसका जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं 16 अरवल का, इतना प्लस इसका 50% 8 यानी 24, यानी इस तरह से जिला वाइज ये लिस्ट बनेगा मेरिट लिस्ट और इस तरह से चयन होगा। और सब कुछ कौन करेगा दोस्तों, ये सब कुछ आपका जो जिला का जो समिति है वही आपको जिला वाइज करके आपको दोस्तों नवंबर तक ज्वाइनिंग हो जाएगा। दोस्तों आप लोग तैयार रहिए क्योंकि अगले सप्ताह में ये काउंसलिंग का जो डेट है वो आ सकता है। दोस्तों मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद था इसीलिए था कि आप लोगों को जागरूक करूँ और आप लोग हमेशा अपडेट रहें कि ये जो वेबसाइट है दोस्तों ये इस पर आप लोग चेक करते रहें और मैं भी चेक कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि जैसे ही काउंसलिंग का डेट आएगा मैं आप लोग को वीडियो के द्वारा बता दूं। दोस्तों मैं इस पे लगा हुआ हूँ, दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए और आप लोग भी अपने स्तर से इस वेबसाइट पर बने रहिए और उसको रेगुलरली चेक करते रहिए, क्योंकि कभी भी अगले सप्ताह में ये जो काउंसलिंग का डेट है वो आ सकता है। इसलिए मैंने वीडियो बनाया ताकि आप लोग अपडेट रहें, आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि अगर काउंसलिंग का डेट पार हो गया आप लोगों को पता नहीं चला तो दोस्तों जो आप लोगों का भरा भराया फॉर्म है वो बेकार हो जाएगा। इसलिए मैं बताया कि आप लोग को जागरूक कर दूँ। दोस्तों मैं बता दूं कि बहुत ही जल्द ये आने वाला है क्योंकि बहुत ही जोर शोर से इसका काम चल रहा है और ऑफिस भी आज से खुल चुका है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो दोस्तों को इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी अपडेट रहे, सतर्क रहे और अपने स्तर से इसको चेक करते रहे वेबसाइट को। दोस्तों उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगे तो लाइक जरूर दबा दीजिए और दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।